तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए खास कंटेनर बनाए गए हैं। इस कंटेनर में कई सुविधाएं हैं। राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं के लिए इसमें रहने का इंतजाम है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी, आप देखिए। भारत जोड़ो यात्रा में आज नया चीज दिखाने वाले हैं, जो कंटेनर्स बनाए गए हैं। गांव जो बसाया जाता है, हर रोज इन कंटेनर्स में लोग रहते हैं। ये राहुल गांधी का कंटेनर है, नंबर वन कंटेनर। ये राहुल गांधी का कंटेनर है, राहुल गांधी इसमें रहते हैं। हम आपको चल के दिखाएंगे जिसके बारे में कितना चीज़ें उड़ाई जा रही थी कि क्या है क्या नहीं है, तो हर कोई जानना चाहता है, बताना चाहता है राहुल गांधी जिस कंटेनर में रहते हैं और उसकी क्या स्थिति है। ये तस्वीर है, हमारे साथ विनीत पुनिया है यहाँ पे, जो यहाँ के लोग हैं। ये अरेंजमेंट है जिसके तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है, और यहाँ से हम लोग निकल के आपको दूसरे जगह ले चलेंगे। पहला ये कंटेनर है, इसके बाद जिसमें दो लोग रहते हैं, जयराम रमेश का कंटेनर है, वहाँ चलेंगे, और वहाँ के बाद फिर जिसमें चार लोग रहते हैं उस कंटेनर को दिखाएंगे। तो हर तरह के कंटेनर्स में जो अरेंजमेंट किया गया है वो सारा अरेंजमेंट हम दिखाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो भारत जोड़ो अभियान है उसके तहत ये मान के चलिए कि हर रोज एक गाँव बसता है जहाँ पे ये ठहरते हैं। उस गाँव को ये देखिए, इस तरह से गाँव बसा हुआ है, पूरे कंटेनर्स का लगभग 60 कंटेनर है और 230 लोग इसमें रहते हैं। हर तरह के व्यवस्था इस कंटेनर में। तो हम चलेंगे आगे जयराम रमेश जिस कंटेनर में रहते हैं उसका हाल जानने के लिए। ये है कंटेनर नंबर 14, जिसमें जयराम रमेश जो महासचिव कम्युनिकेशन है कांग्रेस पार्टी के, वो ठहरे हुए। मैं दिखाना चाहूँगा अंजाम, ये है 14A, दो बेड का ये कंटेनर है जिसमें आपको जयराम रमेश रुक रहे हैं। आप देखिए प्रॉपर जो अरेंजमेंट किया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उत्सुकता थी, हर कोई जानना चाहता है। पंखा है, AC है, और एक तरह से प्रॉपर आप अगर ट्रेन में गुजरते हैं तो ट्रेन में आप देखिएगा जो रहने की व्यवस्था होती है उस तरह का, एक ट्रेन का बॉगी की तरह ये है पूरी तरह से। तो हर तरह का अरेंजमेंट इसमें किया गया है, आराम से सोने के लिए। खाने की व्यवस्था भी है, देखिए आपको दिखाना चाहिए। ये तस्वीर है जहाँ आमतौर पर जब लोग आते हैं तो यहाँ खाने का अरेंजमेंट किया गया है। जो भी यात्री हैं यहाँ आते हैं, यहाँ ही उनके लिए इंतजाम किया गया है। इस जगह पर ये इंतजाम है खाने का, जो यात्री हों चाहे जो भी स्टाफ है। 230 के आसपास लोग हैं यहाँ पे, जो आते रहते हैं यात्रियों के साथ साथ टोटल मिला जुला के। तो ये इंतजाम है खाने का, यहाँ बकायदे देखिए डोसा बनता हुआ आपको दिख रहा है, सब चीज़ है। साउथ इंडियन डिश मिलता है क्योंकि साउथ इंडियन जगह है, आप साउथ इंडिया में हैं और तमिलनाडु में हैं, तो आप डोसा भी खाइए, आप सांभर इडली भी खाइए, और आपको मीठा भी मिलता है यहाँ पे। तो इस तरह का इंतजाम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हालांकि इसको लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं, तमाम तरह के बीजेपी कह रही है कि ये 5-स्टार इंतजाम किया गया है राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। कैमरान कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, कन्याकुमारी।